हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल राखी की रसोई में। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे घर है ना, वहाँ पे बाजू में एक बगीचा है, मतलब खेत है छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा सब्जियाँ उगाई जाती हैं, तो हम लोग यहाँ से ही ताज़ी हरी सब्जियाँ लेके आते हैं। और इस बार भी मैं लेने आई हूँ, लेकिन यहाँ पे इस बार सब्जियाँ नहीं उगाई हैं, थोड़ा लेट हो गया है। उगाएंगे पर थोड़ा लेट हो गया है, बीज वगैरह थोड़ा लेट डाले हैं तो वो थोड़ा लेट आएंगी। और मैं यहाँ पे आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिहारी स्टाइल, एकदम विलेज स्टाइल चोखा, बैंगन आलू का चोखा शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है बैंगन, और बैंगन को अच्छे से तेल लगा दिया है, और फिर मैंने यहाँ पे चूल्हा जला दिया है। तो बैंगन को आग में रख दिया है अच्छे से भूनने के लिए, और लहसुन को भी मैंने, आप देख सकते हैं, भून लिया है अच्छे से, और प्याज को भी भूनने के लिए डाल दिया है। वो बैंगन को मैं पलट पलट के अच्छे से भून लूँगी। और ये व्यू हमारे घर के बाहर का व्यू है, काफ़ी सुंदर व्यू है, और बगल में गार्डन है, और फिर उसके बाद यहाँ पे गौरी लेक है, और काफ़ी अच्छा व्यू है। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह, दोपहर में, शाम को सनसेट होता है तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी पे आ जाते हैं। तो बैंगन हमारा भुन गया है, और हमने चूल्हे से बैंगन को निकाल लिया है, और लहसुन वगैरह भी भुन गया है। तो अब हम इसमें टमाटर भून लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ टमाटर, मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हुए हैं, तो यहाँ पे डाल दूँगी मैं। एक बैंगन लिया है, और 6 से 7 लहसुन की कली ली हुई थी, एक प्याज ली हुई थी, वो आप देख सकते हैं। टमाटर को भी मैंने अच्छे से भून लिया है, तो टमाटर भी हमारे एकदम चिमटे से पकड़ के मैंने अच्छे से भून लिया, तो भून के तैयार हो गए। और फिर रही हरी मिर्ची, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्ची भून लूँगी, तो हरी मिर्ची भी हम भून के तैयार कर लेंगे। और फिर यहाँ पे मैं 2 आलू, इनको भी भून लेंगे। तो ये भून के जो हम चोखा बना रहे हैं ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है, तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें। तो यहाँ पे आलूओं को भी मैं भून लिया है, और आलू भी अच्छे से भुन गए हैं। और यहाँ पे मैं सभी के छिलके निकाल लूँगी। तो मैं यहाँ पे जो मिर्ची ली थी हमने, उसको भून लिया था, उसके जो ऊपर के छिलके हैं उनको निकाल दूँगी। और धीरे धीरे करके हम मिर्ची, बैंगन, और ये टमाटर है जो, इसके सभी के छिलके निकाल देंगे, प्याज के भी छिलके निकाल देंगे, और लहसुन की कलियों को भी छील के साफ करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ हमने अच्छे से छील के साफ कर लिया है, अलग कर लिया है, और जो आलू भुने थे उनको भी छील के मैंने छिक्कल हटा दिए थे, और आलू आलू निकाल लिया था। और ये जो मिर्ची की डंडियाँ निकाल देंगे, बैंगन की जो डंडी है वो भी चाकू से काट के अलग कर देंगे, और बैंगन को देख लेंगे अच्छा है, उसमें कीड़े वीड़े तो नहीं है। और बस प्याज को हम बारीक बारीक काट लेंगे, या थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे, और आप चाहे तो इसको मसल भी सकते हैं, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इन सबको थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट लूँगी, ताकि मसलने में आसानी पड़े। तो यहाँ सब कुछ काट पीट के रेडी हो गया है, तैयार हो गया है, और अब मैं हाथ से इसको अच्छे से मसल लूँगी, क्योंकि हाथ से मसलने से अच्छे से मसला जाएगा, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा इसका। आप चाहें तो जो मैशर होता है उससे भी मैश कर सकते हैं इसको। तो सब कुछ अच्छे से मैंने यहाँ पे मैश कर लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ आप हरी मिर्ची का यूज करें। और फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और 2 चम्मच डाला है मैंने सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैंने कच्चा सरसों का तेल डाला है, कच्चा ही सरसों का तेल डाला जाता है बिहारी स्टाइल चोखे में, इससे टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। फिर इसमें बारीक काट के हरा धनिया डाल देंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना, और बहुत ज़्यादा सामान, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते हैं, कम ही मसाले, 1-2 ही पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले डालने से इसका टेस्ट नहीं अच्छा आता है, फिर वो मसालों का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे बस 1-2 ही मसाले पड़ते हैं इसमें। आप चाहे तो थोड़ा गर्म मसाला भी, तीखा और खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है।
क्यों ज़्यादा मसाले डालने से इसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो सबको अच्छे से मिला लेंगे, सारे मसालों को, ऑयल जो हमने डाला था सरसों का उसको भी अच्छे से मिला लिया है। तो चोखा बनके हमारा रेडी हो गया। इस चोखे को आप लिट्टी के साथ, बाटी के साथ, दाल चावल के साथ, पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं। चोखा काफ़ी अच्छा बना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।